बस आज हम आपको एरे ऑफ पॉइंटर बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले एक पॉइंटर एरे डिफाइन करेंगे और उसमें चार वैल्यू को डाल देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी एरे में वैल्यू डिक्लेरेशन के समय तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बाद में आप नहीं डाल सकते। और क्योंकि यहाँ पर नेम में सबस्क्रिप्ट डिफाइन नहीं है, इंडेक्स डिफाइन नहीं है, तो वो नल करेक्टर अपने आप ले लेगा बाय डिफॉल्ट। अब इन आई इक्वल्स टू जीरो लिया, सी एल आर एस सी आर लिया, आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन मैक्स, आई प्लस प्लस। हमने एक लूप चलाया जिसके थ्रू हम एरे को प्रिंट करेंगे। तो एरे को प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट कमांड लगाया और एरे को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे स्टार इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एरे तो खुद ही फर्स्ट पोजीशन जो होता है वो एड्रेस होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए आपको रन पे जाना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू जो एरे में स्टोर है ये देखिए वन बाय वन विद सबस्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगी। तो नेम जीरो पे अमित, वन पे सुमित, टू पे रोहित, थ्री पे अस्मित आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विंडो में एरे टू पॉइंटर, हम लोग ने पढ़ा। एरे टू पॉइंटर पढ़ा हम लोग ने। पॉइंटर एरे को फंक्शन में कैसे भेजते हैं ये देखेंगे। पॉइंटर एरे को फंक्शन में भेजने के लिए फिर से खोल लेते हैं, नहीं ले रहा है तो ऑल्टर एफ ओपन पॉइंटर एरे टू फंक्शन। डॉट सी तो ये आ गया आपका। अब इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। पॉइंटर एरे टू फंक्शन। अब हम एरे को फंक्शन में कैसे भेजते हैं, उसके लिए हमें फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, स्टार ए आर आर ले लेंगे और इंट बैलेंस 5 करेंगे और उसमें पांच वैल्यू डाल देंगे। बैलेंस नाम की एक एरे बन जाएगी, उस एरे को हम फंक्शन में एज अ पॉइंटर एड्रेस पास करेंगे और एवरेज निकालेंगे। तो उसके लिए डबल एवरेज डिफाइन किया, गेट एवरेज बैलेंस कॉमा 5 लिया। अब बैलेंस एरे जो एड्रेस है वो ए आर आर स्टार पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। वहां पर जाकर हम वन बाय वन जो वैल्यू हमने इसमें डाली है एरे में उसको हम ऐड करेंगे। जब वो ऐड हो जाएगी सम प्लस इक्वल्स टू एरे आई करेंगे। जब वो ऐड हो जाएगी तब हम उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के एवरेज डबल सम अपॉन साइज करेंगे तो, और फिर रिटर्न एवीजी करेंगे। जब हम रिटर्न एवीजी करेंगे तो हमारी एक वैल्यू एवरेज रिटर्न हो जाएगी। So, just run it and find out the answer. यहाँ पे गेट सी एच नहीं लगा था इसलिए नहीं रुका वो, कोई बात नहीं। ऑल्टर एफ फाइव करिए, आप देखिए आंसर आ जाएगा। एवरेज वैल्यू इज 214.4000। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि फंक्शन में हम कैसे वैल्यू को पास करते हैं। तो फंक्शन में वैल्यू को पास करने के लिए ओपन करना पड़ेगा फाइल को, फिर पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन डॉट सी। अब ये देखिए कि कैसे पास होता है फंक्शन में। पासिंग फंक्शन टू पॉइंटर टू फंक्शन और रिटर्निंग पॉइंटर टू फंक्शन।
और पॉइंटर एरे टू फंक्शन हम आपको बता ही चुके। यहाँ से हम कुछ वैल्यू को पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन हम लोग लेते हैं जो हम ऑलरेडी खोल चुके हैं। तो इसको जूम करते हैं और आपको बताते हैं। इसके लिए एक फंक्शन हमने बनाया गेट सेकेंड अनसाइंड लॉन्ग पैरामीटर पार। ये ऑलरेडी हम थ्योरी में आपको समझा चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझाना जरूरी था क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि मैम प्रैक्टिकली बता दीजिए समझ नहीं आया। अनसाइंड लॉन्ग सेकेंड करा हमने, फिर सी एल आर एस सी आर किया और गेट सेकेंड नाम के फंक्शन में सेकेंड का एड्रेस पास कर दिया। जब एड्रेस पास किया तो वो जा करके फंक्शन में पार नाम के पॉइंटर में असाइन हो गया। वहाँ पे पॉइंटर को क्योंकि इनिशियल वैल्यू ज़ीरो थी टाइम नल कर दिया हमने। टाइम नल मतलब टाइम ज़ीरो। गेट सी एच किया, रिटर्न किया और प्रिंट कर दिया, नंबर ऑफ सेकेंड उसमें आ जाएंगे। तो इसको रन करें और देखिए कि कैसे पॉइंटर एड्रेस पास होता है फंक्शन में। ये आ गया था, कुछ सेकंड लगा उसको, नंबर ऑफ सेकंड ये आ गया, इतने सेकंड आपका उसने लिया। अब रिटर्निंग पॉइंटर टू फंक्शन कैसे करेंगे? फाइल लिया, ऑल्टर एफ किया, ओपन किया, रिटर्न पॉइंटर टू फंक्शन, रिटर्न पॉइंटर टू फंक्शन डॉट सी, ये आया। रिटर्न पॉइंटर टू फंक्शन कैसे होगा? गेट रेंडम करा, रेंडम नंबर ले लिया और आर नाम की एक एरे ले ली जिसमें 10 नंबर आएंगे और असाइन करा लिया रेंडम नंबर को। आर आई में कुछ भी नंबर हम असाइन करा ले रहे हैं। प्रिंट करा उन रेंडम नंबर को और मेन फंक्शन से कॉल किया इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन जो ऊपर डिफाइन हुआ है उसको मेन फंक्शन से हम कॉल करेंगे गेट रेंडम को। तो यहाँ पे आया इंट मेन, इंट में स्टार पी नाम का एक वेरिएबल लिया, इंट आई किया, सी एल आर एस सी आर किया, गेट रेंडम किया। अब गेट रेंडम जब हम करेंगे और हम कुछ भी उसमें नंबर नहीं भेज रहे तो रेंडमली नंबर को जनरेट करके प्रिंट कर देगा। फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब जो एरे में वैल्यू स्टोर हुई है उस वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार पी प्लस परसेंट डी आई स्टार पी प्लस आई करेंगे। तो क्योंकि ये वैल्यू पॉइंटर में आ रही है आपकी, जो रेंडम नंबर आपके एरे में जनरेट हो रही है, तो देखिए एरे पर रिटर्न हो रही है फंक्शन से और वन बाय वन हम यहाँ पर उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो पॉइंटर प्लस आई जब हम करेंगे तो पोजीशन हर बार चेंज होगी और आपकी जो एरे रिटर्न हुई है अभी फंक्शन से वो मल्टीपल वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू भी एरे के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं। जो हम जनरेट करेंगे एरे वहाँ पर वो पूरी की पूरी एरे आपकी रिटर्न हो जाएगी पी में, और पी में के थ्रू हम पूरे नंबर को प्रिंट कर लेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे इसको देखिए, पहले जनरेट हुआ जो नंबर वो देखिए पॉइंटर के थ्रू वापस आकर के पूरा वही का वही प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू पॉइंटर से रिटर्न कर सकते हैं। अब हम एक से ज़्यादा पॉइंटर डिफाइन करते हैं फंक्शन में। यहाँ पे तो एरे जनरेट की और उसको पॉइंटर में पूरी एरे पास किया है तो फंक्शन में से रिटर्न हुई है एरे। अब हम पॉइंटर एक से ज़्यादा डिफाइन करके और फंक्शन को एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करेंगे फंक्शन से। तो इसके लिए हमको एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ा। इसके लिए हमने इसको ओपन करो, यहाँ पे पैरी मीटर एरिया,
अगर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं तो पेरीमीटर और एरिया कैसे निकलेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया पेरी एरिया फ्लोट एल फ्लोट बी फ्लोट स्टार अब ये क्या करेगा आपका एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर और एरिया निकालेगा। तो उसके लिए हमने स्कैन एफ किया लेंथ एंड ब्रेथ और प्रिंट पेरी एरिया नाम के फंक्शन को कॉल किया। पेरी एरिया नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे जो ऊपर प्रोटोटाइप डिफाइन है। तो यहाँ पे पेरी में आपका लेंथ और एल में आपका लेंथ और बी में आपका ब्रेथ जाएगा और ये दो पॉइंटर डिफाइन किए हैं फ्लोट टाइप के जो है। अब इसमें हमने इस पॉइंटर में हमने पैरामीटर कैलकुलेट किया और इस पॉइंटर में हमने एरिया कैलकुलेट किया। अब जब हम पॉइंटर में वैल्यू डाल रहे हैं तो वो वैल्यू को हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता क्योंकि पॉइंटर इटसेल्फ एड्रेस को स्टोर करता है। तो उस एड्रेस में कौन सा एड्रेस आ रहा पैरी और एआर आ रहा। तो पैरी और एआर के एड्रेस पे जो वैल्यू यहाँ पर असाइन करना है वो डायरेक्ट वहाँ चली जाएगी और वो वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी। तो जब हम पॉइंटर यूज़ करते हैं तो वैल्यू रिटर्न किए बिना मल्टीपल वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं। तो अब ये कैसे हुआ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंट एफ मीटर फ्लोट पैरी। आपको पता होगा कि टाइप कास्टिंग के लिए फ्लोट लगाना पड़ता है तो जो पैरी रिटर्न हुआ है वो फ्लोट टाइप का इसलिए यहाँ पे फ्लोट लिख रहा है और यहाँ पे भी हम लोग ने फ्लोट डिफाइन किया था। नहीं तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा कि जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं वो फ्लोट टाइप की है या किस टाइप की है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। हमने लेंथ और ब्रेथ दी। लेंथ मान लीजिए हम दे देते हैं 6 और ब्रेथ दे देते हैं मान लीजिए 4। तो ये देखिए रेक्टेंगल का पैरामीटर उसने 20 दे दिया और एरिया 6 होगा 24 दे दिया। पैरामीटर आपका क्या है 2 प्लस एल प्लस बी 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इंटू 2 6 प्लस हमने क्या दिया था फिर से रन करके देखते हैं। लेंथ हमने दिया था 6 और पैरामीटर हमने दिया ब्रेथ हमने दिया था 40। तो ये 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 और इंटू 2 20 आ गया और एरिया क्या दिया 24 जो 6 4 24। तो इस तरह से हम पॉइंटर यूज करके एक से ज़्यादा वैल्यू फंक्शन में से रिटर्न कर सकते हैं। और एरे का तो हमने दिखाया ही रिटर्न पैरामीटर टू फंक्शन। तो यहाँ पर ये वाला ये आ गया एरे लिया था ना हमने गेट रैंडम नंबर यहाँ रैंडम नंबर फंक्शन में जनरेट किया और उसको रिटर्न किया कहाँ पी नाम के पॉइंटर में। तो जब पॉइंटर में गेट रैंडम हम करेंगे तो गेट रैंडम में से वैल्यू एरे की यहाँ पर आ जाएगी। आर नाम का हमने एरे डिफाइन किया जिसकी वैल्यू यहाँ पर पी में आ रही है फिर P प्लस आई करके हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं। ये थोड़ा टिपिकल है आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा नहीं आएगा और पीछे का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप पीछे से लर्न करना शुरू कीजिए तब आगे आप पॉइंटर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। दिस इज ऑल टू द व्यूअर इफ यू लाइक इट एंड यू अंडरस्टैंड इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल। और अगर कोई क्वेश्चन हो कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप हमसे कमेंट में क्यूरी करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल टूडे व्यूअर फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक मस्ट कमेंट ऑन द वीडियो एंड आस्क द क्वेश्चन गो टू माई कम्युनिटी कमेंट देयर एंड फॉलो माई सोशल मीडिया लिंक टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू ऑल लिंक्स आर गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। Thank you, viewers.